स्कूलों में वर्ष भर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में कुल्लू के लालचंद कौड़ा पिड मॉन्ट स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुल्लू में लालचंद कौड़ा पिट मॉन्ट स्कूल में 30वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने विभिन्न तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पंजाबी भांगड़ा, गिद्दा, झमाकड़ा, लाहौली और कुल्लूवी नाटी ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। देशभक्ति के गीत और नृत्य ने भी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि यहाँ के सभी शिक्षक पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित रहे, जिसकी उपायुक्त यूनुस और देवराज शर्मा ने खूब सराहना की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे बच्चों को सम्मानित भी किया। लालचंद कौड़ा पीरमठ स्कूल ने अपना 30वां वार्षिक पारितोषिक वितरण उत्सव मनाया, जिसमें श्री यूनुस खान ने शिरकत की, जो कि कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्होंने स्कूल की रिपोर्ट को ध्यान से देखा और बच्चों को इनाम बांटे। उन्होंने स्कूल की सराहना की कि यह स्कूल शिक्षा के साथ साथ सेवा के भी जो कार्य कर रहा है, वो आज हमारे समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा तो सभी स्कूल करते हैं, परंतु सेवा कार्य की भावना बहुत कम देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कुल्लू।